हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो ये देखिए, ये लगातार बारिश पड़ रही है हमारे यहाँ। तो अगर हमने इसमें कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो ये हमारे फूल और इतने सुंदर खिल रहे हैं और कितनी खूबसूरत ग्रीनरी भी बन रही है। ये देखो, लगातार बारिश हो रही है, पानी अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे गार्डन के लिए इस समय। तो आइए, और सबसे पहले हम ये गार्डन में अपनी जो ध्यान देना। ये देखो, कहते ही बहते बारिश फिर दोबारा से आ गई, जरा सा 2 मिनट रुकी और फिर बारिश आ गई है। तो ये जितने भी हमारे गमले हैं, अगर हमारा पानी जरा से भी, देखो हम मेरे गमले में किसी में भी पानी नहीं है, क्योंकि बारिश देखो इतनी हो रही है, फिर कितनी तेज़ आ रही, बात करते ही करते बारिश आ गई है। तो ये देखो मेरे गमले सारे, देखो मेरे गमले किसी में भी पानी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ड्रेनेज होल भी अच्छे हैं और इसकी मिट्टी भी बहुत अच्छी है। तो हमें क्या करना है, अगर आपके पानी रुक रहा है आपके गमलों में, तो सबसे पहले अपने ड्रेनेज होल चेक करें। अगर नहीं है तो बड़े बड़े खोल लीजिए, और जिससे पानी ना अटके। और पानी अगर आपके भर गए तो सब गमलों का पानी निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें मच्छर भी बहुत जल्दी पनप जाता है, तो बीमारियाँ भी हो जाती है और हमारे प्लांट के लिए भी खतरा बन जाता है और हमारे लिए भी खतरा बन जाता है अगर पानी गमले में रुक जाता है। तो मैं इसीलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये मच्छर बहुत तेज़ी से फैलेगा इससे, मैं लगातार पानी में, अगर पानी रुक जाएगा और हमारे गमले भी ख़राब हो सकते हैं। इतनी अच्छी ग्रीनरी बन रही है, देखो बारिश से फ़ायदा भी है, देखो कितना ग्रीनरी बन रही है इस समय। तो यहाँ से लेके वहाँ तक देखो कितने खूबसूरत हमारे सारे ही प्लांट लग रहे हैं। तो सबसे पहले पानी निकाल दीजिए और ड्रेनेज होल खोल दीजिए। और दूसरा ध्यान हमें ये देना है, जो हमारे ये फूल बने हुए हैं और ये अगले दिन सूख जाते हैं, ये इस टाइप के, तो इन्हें सबको, पुराने वाले फूल को निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, अगर ये हम इन पे प्लांट पे छोड़ देंगे तो ये फंगस पकड़ जाएगा और बहुत जल्दी ये फंगस फैल जाती है बरसात में, इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत ये मैक्सिकम पिटोनिया के फूल लगे, क्योंकि ये एक ही दिन का होता है और इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या करता है, पत्ती पे चिपक जाते हैं ये वाले फूल, इसलिए हम इसको निकालना ज़रूरी होता है। और ये फूलों की, पेड़ की, प्लांट की हमारी जो है सो भी ख़त्म करते हैं, और ये फंगस का अटैक भी जल्दी कर देते हैं, तो इसलिए इनको निकालना ज़रूरी होता है। और गमलों में देखिए, ऊपर तो पत्तियों में हमारे ये फंगस लग ही जाता है पत्तियों से, लेकिन हमारे जो गमलों में भी ये देखो गिर जाता है ये पत्ती वगैरह, तो इनसे भी बहुत जल्दी फंगस पकड़ता है और नीचे नीचे पूरा गमले में फंगस फैल जाती है। इनको बहुत ज़रूरी है। तो गमले में जो भी आपके पत्तियां हैं गिर जाती हैं, ये गल सड़ जाती हैं और फिर बहुत जल्दी फंगस का अटैक होता है, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। एक पानी का नहीं रुकना चाहिए और एक ये पत्तियाँ जो रह जाती हैं इससे फंगस पकड़ लेता है। तो हमारे प्लांट ये चलते रहेंगे, ये देखो इसमें जरा सा भी फंगस नहीं है। और क्योंकि मैं पत्तियाँ सबकी साफ़ करती रहती हूँ जो पुरानी होती है, और फूल भी मैं सबके साफ़ करती रहती हूँ, तो कितना अच्छा खूबसूरत ग्रीनरी ये देखो दिखाई देती है हमें सभी प्लांट के, जितने भी प्लांट हैं मेरे, देखो दूर से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये सभी मेरे गमले बिल्कुल साफ़ है, किसी में भी पानी नहीं, और मैंने निकाला भी नहीं है पानी, क्योंकि मेरी सोयल इतनी अच्छी रहती है। तो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो कि मैं सोयल कैसे बनाती हूँ। तो किसी में भी देखो पानी भी नहीं है और कोई फंगस का अटैक भी नहीं है। और आजकल क्या होता है, ये बरसात से मिली वक्त बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं बताने वाली हूँ। और ये देखो सारे ही फूल भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखो सभी प्लांट पे बने हुए हैं। और ये देखिए, ये सब का मैंने जो रह गया था वो भी मैंने सारे फूल निकाल दिए हैं। तो ये मेरा रोज़ का ही काम है, पुराने फूल को निकालना, और जो पत्ती भी झड़ जाती है उनको भी मैं सबको निकाल देती हूँ। तो इसलिए मेरे अभी तो मेरे प्लांट में कोई भी फंगस नहीं है। और ये देखिए ग्रीनरी के साथ साथ फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ हमें क्या उपाय करने हैं। तो पानी भी निकाल दें, उसका ड्रेनेज होल भी आप बड़े बड़े बना लें जिससे पानी बिल्कुल भी ना रुके। मेरे किसी भी गमले में आप देख सकते हो एक में भी पानी नहीं रुका, वो यही वजह है
ड्रेनेज होल भी बड़े बड़े हैं, और हमें अपने जो अगर हमारे फ्लोर पे हमने अगर गार्डन लगा रखा है तो पानी भी बिल्कुल साफ़ करते रहे, कूड़ा कचरा अपने छत का पूरा साफ़ करते रहे, तो जिससे नीचे से भी फंगस नहीं लगेगी और प्लांट तक नहीं पहुँचेगी वो ऊपर तक। तो इसलिए साफ़ सफाई भी हमारे गार्डन की बहुत ज़रूरी। काम ये भी करना, हमें फर्श भी हमारा गंदा ना हो मिट्टी से, और मच्छर भी ना हो पानी भी ना रहे, और प्लांट भी हमारा ना गले सड़े। तो हमें अब सब प्लेट को जैसे उल्टा रख देना, पहले सीधी थी गर्मी में, अब इनको सबको उल्टा रख देना, तो ये जो है प्लांट भी बचे रहेंगे और मच्छर भी नहीं होंगे, और ये हमारा फर्श भी साफ सुथरा, फंगस ना लगे। उसके लिए भी हमें थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते हैं, चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे देखिए नई नई बर्ड्स भी बनती रहती हैं, ये देखिए, और फूल भी खिलते रहते हैं सभी प्लांट पर। और मिली बग जो होते हैं, मिली बग का टाइप, ये हमारे ज़्यादातर ये मैक्सिकम पिटोनिया के जो प्लांट होते हैं तो इन पर भी बहुत जल्दी लग जाता है, और एक हमारे ये हिबिस्कस के जो होते हैं इन पर भी लग जाता है, इन पर भी इसका मिली बग का अटैक जल्दी होता है। और एक हमारे ये जो पर्सनेल और ये तुम्हारे पुरचुला का जितने भी प्लांट हैं इन पर भी ये इसका अटैक जल्दी होता है मिली बग का, तो इन तीन चार प्लांट पर इन पर जल्दी होता है, तो इनका हमें विशेष ध्यान देना। और जिन पे आपका लग चुका है उनका ज़्यादा ध्यान दो, उसी पे ज़्यादा जो है स्प्रे करना है हमको। ये देखिए ये हिबिस्कस का प्लांट है, ये देखिए किसी भी प्लांट पे नहीं है मेरे, और ये पीले कलर का फूल है इस पे है, ये गोल पत्तियों वाला, तो इस पे देखिए ये मिली बग का अटैक है। तो अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो मैं इसको एक दो को ऐसे ही निकाल दूँगी जो है, तो मैं शुरू में ही निकाल देती हूँ उनको किसी डंडी के हेल्प से या किसी भी चीज़ से मैं निकाल देती हूँ, तो वो और मैं बाहर कर देती हूँ उनको, तो इसलिए मेरे पे नहीं होता क्योंकि मैं शुरू में ही पकड़ लेती हूँ। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके गार्डन में इसका मिली बग का अगर ज़्यादा अटैक है तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना स्प्रे बोतल में, और 1.5 चम्मच नीम ऑयल, या आपके पास कोई भी पेप्सिसाइड या फंगीसाइड हो तो 1.5 चम्मच उसको डाल दीजिए, या 1.5 ग्राम डाल दीजिए। तो वो हमारे जितने भी ये प्लांट हैं ये मिली बग वाले या मिली बग का अटैक या ये जैसी फंगस हमारे मिट्टी में लग जाती है उनको भी उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो ये मैंने बताया है। तो अगर हम ये अप्लाई कर देंगे तो ये फंगस भी नहीं लगेगी और मिली बग का अटैक भी नहीं होगा, और ये हमारे फूलों की चमक भी बनी रहेगी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत में दिखा दिए आपको। और अगर हम इन चीज़ों इन बातों का सभी का ध्यान रखेंगे तो हमारे ग्रीनरी और फूल भी हमारे प्लांट पर बने रहेंगे। और ये गोल्डन थ्रिलिस है, इस पर तो किसी भी चीज़ का अटैक नहीं होता, किसी भी कीड़े का मैंने तो अभी देखा नहीं, बस इस पर मधुमक्खी जरूर आती है पोलिनेटर, तो वो तो हमारे गार्डन के लिए अच्छे होते हैं। तो ये देखिए ये पीले फूल ऐसे ही चमकते रहते हैं बहुत ही खूबसूरत 24 घंटे, और इस पर 12 महीने लगे ही रहते हैं, बस विंटर में ही थोड़ा जाते होंगे, बाकी तो ये इसमें लगे ही रहते हैं। ये प्लांट भी बड़े अच्छे होते हैं, ये देखिए ये अच्छी ब्लूमिंग है इस समय रेन लिली पे, और आलमंडा में भी देखो कितने खूबसूरत फूल खिले हुए। और मेरे बताए गए अगर आप ये कुछ वर्क कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, तो हमारी ये ग्रीनरी और ये फ्लावर्स खूबसूरत प्लांट पर ये बने रहेंगे। ऐसे तो बारिश का पानी बहुत अच्छा आता है क्योंकि काफ़ी न्यूट्रंस होते हैं उसमें, लेकिन अगर ये हमारे ज़्यादा लगातार जैसे बारिश पड़ रही है अगर हमारे प्लांट में रुक जाता है तो ये हमारे प्लांट को हानि भी पहुंचा सकता है, इसलिए हमें इन चीज़ों इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये शंखपुष्प कितना ग्रीन खूबसूरत हो रखी है, और इनके नीचे से ये वाइट वाइट फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं खिले हुए। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ये लगातार बारिश हो रही है वो हमें हटा देने चाहिए, जैसे हमारे ये एग जीरो का प्लांट है, और जैसे हमारे ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कोलियश के हैं, इनको भी हटा दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा लगातार बारिश पड़ेगी तो फंगस का अटैक तो होता ही है पत्ते पे, और उनकी ये पत्तियाँ होती है इन पर जैसे बारिश तेज़ पड़ेगी तो ये फटने लग जाती है, इसकी सोख ख़राब हो जाती है फिर, इसलिए हमें इनको हटाना ज़रूरी होता है। और आपने अगर बारिश में ये जैसे ये हाइब्रिड हमारे बिन का है अगर इनको भी रखा है इनको भी हटा दीजिए, क्योंकि पानी इनकी जड़ों में अगर हर समय रहेगा तो ये इनकी जड़ गलना शुरू हो जाती है, तो इनको भी हटा दीजिए अगर आपने ये बारिश में लगातार रखे। अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।